लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा द्वारा जैन समाज पर की गई टिप्पणी का विरोध लगातार बढ़ता ही जा रहा है। महुआ ने बयान दिया था कि जैन लड़के घर में छुपकर कबाब खाते हैं। इसी बयान का विरोध करते हुए सोमवार को जैन सर्किट हाउस पर जैन समाज के सदस्यों ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। समाज सेवी सुशील जैन के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में समाजजनों ने मांग की है कि तृणमूल कांग्रेस की सांसद तत्काल माफी मांगे। बताया जा रहा है कि सांसद ने लोकसभा में जैन समाज पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जैन समाज के युवक चोरी छिपे मांस का सेवन करते हैं। इस टिप्पणी पर देश भर में विरोध हो रहा है। इसी कड़ी में उज्जैन में भी विरोध देखने को मिला। यहां समाजजनों का कहना है कि उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। इस अवसर पर समाज सेवी लाला भंडारी, राहुल कटारिया, सचिन कासलीवाल, रजत मेहता, प्रकाश जैन सहित अन्य समाजजन मौजूद थे। ये कहते हुए ठीक नहीं लगता है। एक संसद की गरिमा रहती है। संसद मतलब एक भगवान का रूप है जिसे पूरे हिंदुस्तान चलता है। उसमें गैर जिम्मेदारा वक्तव्य दे के किसी एक समाज को ठेस पहुंचाना ये ठीक बात नहीं है। हमारा जैन समाज बहुत शांत, बहुत सक्रिय एवं बहुत ही समाज सेवा में अग्रणी रहता है। ऐसे द्वारा किसी सांसद द्वारा इस टाइप की टिप्पणी करना ये समाज के लिए बहुत कठिन और ख़राब काम है। इसलिए हम उस सांसद महोदया से निवेदन करते हैं अपने शब्द वापस ले एवं जैन समाज से माफ़ी मांगे। यही नहीं।